पार्ट वन में हमने देखा कि लुफी और काइडो की फाइट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। ये वाला वीडियो सेकंड पार्ट है लुफी वर्सेस काइडो की फाइट का, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, बाद में ये वाला पार्ट देखना। इतना हैवी अटैक खाने के बाद में लुफी को वहाँ पर जिंदा देख के काइडो शॉक में चला जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था तुम तो मर चुके लेकिन तुम तो यहाँ पर जिंदा हो। वहाँ पर लुफी काइडो को बोलता है कि मुझे भी लगा था कि मैं मर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं जिंदा हूँ। लुफी के फ्रूट की अवेकनिंग होने के बाद में उसके सराउंडिंग में जितनी सारी चीज़ थी वो सारी की सारी चीज़ों को रबर बना पा रहा था। वहाँ पर काइडो लुफी को बोलते हैं कि लगता है तुमने तुम्हारे पैरामेशिया फूड की अवेकनिंग कर ली है, लेकिन ये जो तुम गियर 5 के अंदर ट्रांसफर हुई हो ये तो पैरामेशिया फूड की कोई एबिलिटी नहीं लगती है, ये तो जोन टाइप फूड की एबिलिटीज है। वहाँ पर लुफी को अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि उसका जो फ्रूट है वो एक मिथिकल जोवान फ्रूट है, लेकिन काइडो को वहाँ पर थोड़ा सा शक हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि काइडो लुफी को खाने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो लुफी को निकल लेता है लुफी उसके पेट के अंदर जाके गमगमुंद बलून कर देता है। लुफी के इस अटैक की वजह से काइडो की भी बॉडी बहुत ज्यादा फूल जाती है, एक तरीके से वो फटने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर लुफी भी काइडो की बॉडी को रबर बना देता है। एक तरीके से अगर वो रबर नहीं बनाता तो काइडो तो पूरा फट ही जाता वहाँ पे। लुफी का ये अटैक देखने के बाद में वहाँ पर यामाटो और भाई मोमोन उसके शॉक में चले जाते हैं, बोलते हैं कि लुफी ये क्या ही कर रहा है भाई, ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कार्टून टाइप फाइट चल रही है। लुफी काइडो के पेट के अंदर था तो उसको दूर दूर तक बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पर उसको दो छोटी छोटी लाइटें दिखाई दे रही थी। वो दो लाइटें कुछ और नहीं बल्कि काइडो की आंखें थे। वहाँ पर लुफी काइडो की आंखों में से अपना हाथ बाहर निकालता है और एकदम से वो काइडो के मुंह से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसको वाले अटैक को नाम देता है रॉकेट स्किप। वही अजीब टाइप की फाइट हो रही थी यहाँ पर। काइडो के मुंह से बाहर निकलते ही लुफी बहुत बड़े वाले जायंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होते ही वहाँ पर वो काइडो के दोनों साइड को पकड़ के वहाँ पर जंप रोप करने लग जाता है। भाई कुछ अलग ही टाइप की फाइट हो रही थी। वहाँ पर काउंटर अटैक करते हुए काइडो अपनी ब्लास्ट पेच लुफी के ऊपर कर देता है, जिसका डायरेक्ट हिट लुफी को लगता है। लुफी कुछ ज्यादा दूर चला जाता है आसमान में। इतना दूर जाने के बाद में लुफी ओनिगाशिमा के रूफटॉप पे वापस जाने के लिए भाई अपने पैरों का यूज करता है। लुफी मिड ईयर अपने पैरों का यूज करके साइकिलिंग करते करते ओनिगाशिमा पे पहुंच जाता है, और जैसे ही लुफी काइडो के ऊपर हमला करने वाला होता है वहाँ पर काइडो अपना अटैक लुफी के मुंह के ऊपर कर देता है। लुफी का मुंडी सीधा नीचे चला जाता है ओनिगाशिमा के। वहाँ पर लुफी का मुंह एकदम से स्प्रिंग जैसे हो जाता है, वो सीधा ओनिगाशिमा के नीचे चले जाता है। वहाँ पर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये लुफी है ना। वहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक इंसान ऐसा कर सकता है। सबको लग रहा होता है कि ये सारी चीजें तो पिक्चर बुक वाली है, यहाँ पर रियलिटी में कैसे हो सकती है सारी चीजें। वहाँ पर काइडो लुफी को बोल रहा होता है कि ये सारी चीजें करके भी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, जिसका जवाब देते हुए लुफी बोलता है कि अभी तो बस मैंने शुरुआत ही करी है। उसी के बाद में लुफी का गियर 5 निकल जाता है, जहाँ पर लुफी हमको थोड़ा सा बुढ़ा होते हुए दिखा जाता है, क्योंकि गियर 5 ने लुफी की कुछ ज्यादा एनर्जी ले ली थी। वहाँ पर लुफी पूरा का पूरा थक चुका था। लुफी को इस हालत में देख कर वहाँ पर काइडो भी लुफी के सामने बैठ जाता है, उसको बोलते हैं कि तुम कौन हो मुझे बताओ, लेकिन लुफी वहाँ पर काइडो को इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि यार सच में ये वाला फॉर्म मेरे को ज्यादा एनर्जी ले रहा है, जिसकी वजह से मैं इस वाले फॉर्म को ज्यादा टाइम मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पर काइडो लुफी को बोलते है कि हाँ तू आराम कर ले, और आराम करते करते ही मर जा। उसके जवाब में लुफी काइडो को बोलते है कि मैं मरने से तो नहीं डरता, मरने के बाद में इंसान की बस हड्डियां पीछे रह जाती है, इसका मतलब मैं लड़ते लड़ते मरूंगा। फिर उसी के बाद में एक बार फिर से लुफी अपने गियर 5 में आ जाता है, और लुफी के गियर 5 में आते ही भाई काइडो उसके ऊपर हमला कर देता है। और वहां पर उस वाले अटैक के बाद में लुफी का मुंह एकदम से काइडो के बैट जिससे हो जाता है कुछ ज्यादा ही फनी लग रहा था वो देखने के लिए। और वहां पर लुफी एकदम से भागने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ये मेरे मुंह को ये सब क्या कर दिया इसने। उसके बाद फिर से काइडो लुफी के ऊपर हमला करता है, और वहां पर भाई लुफी स्प्रिंग जैसा चपटा हो जाता है, फिर से वो आसमान में उछल जाता है। क्योंकि जैसे ही काइडो लुफी के ऊपर अटैक कर रहा था वैसे ही भाई लुफी के सराउंडिंग वाली सारी की सारी चीजें रबर जैसी बन जा रही थी, जिसकी वजह से लुफी किसी बॉल की तरह इधर से उधर टप्पे खा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लुफी अपने हाथों को एकदम से फैन जैसे घुमाने लग जाता है, और अपने हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते काइडो के मुंह पे ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर से हमला कर देता है, और जिसकी वजह से जो लुफी का हाथ था ना वो काइडो के मुंह के आर पार चला जाता है। वो काइडो के मुंह को भी रबर बना देता है, और इस अटैक के बाद में वहां पर काइडो सीधा जमीन के ऊपर गिर जाता है। भाई कुछ ज्यादा जोर से लगा था यार उसको, और काइडो इतना जोर से मार खाता है कि वो लुफी से पूछता है कि भाई कौन है तू, इतना अजीब तरीके से मार रहा है मुझे। यहाँ पर लुफी काइडो को बोलता है कि कौन मैं मंकी डी लुफी हूँ जो तुझे सरपास करके किंग ऑफ दी पायरेट बनेगा। जहाँ पर काइडो लुफी को बोलता है कि अच्छा लगा कि तुम्हारा मुंह अभी भी पहले जैसे ही चल रहा है। तुम जो ये सारी चीजें कर रहे हो ना, इसको फ्रूट की अवेकनिंग कहा जाता है, कुछ ज्यादा अलग टाइप की पावर्स है यार तुम्हारी। जहाँ पर काइडो लुफी को बोल रहा होता है कि मैंने इस वॉर के अंदर मेरी सारी की सारी चीजों को खो दिया, मेरा कैसल, मेरे आदमी, और मैंने जो कुछ चीजें यहाँ पर बनाई थी वो सारी की सारी चीजों को मैं यहाँ पे ऑलरेडी खो चुका हूँ, और मेरे जैसे ही तुमने भी अपनी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर खो दिया है। जहाँ पर लुफी काइडो को बोलता है कि अभी भी सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, जो सारी चीजें तूने लोगों से चुराई है वो सारी की सारी चीजें मैं वापस लेके रहूंगा। इन लोग की ये सारी बातें चली रही होती है तब तक जो आग लगी थी ओनिगाशिमा पे वो पूरी की पूरी आग वहाँ पर रूफटॉप तक पहुंच चुकी थी। जहाँ पर काइडो लुफी को बोल रहा होता है कि तुमने तुम्हारे सारे के सारे बंदों को नीचे जलने के लिए छोड़ दिया, यहाँ पर तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो। जहाँ पर
काइडो का जवाब देते हुए लुफी काइडो को बोलते है कि मैंने नीचे की सारी चीजें मेरे दोस्तों पे छोड़ दी है और मेरा बस यहाँ पर टास्क है कि मुझे कैसे भी करके तुमको हराना और नीचे की जो सारी चीजें वो लोग संभाल लेंगे। और उसके बाद ही हम देखते कि पूरी की पूरी ओनिगाशिमा में आग लग चुकी है और सारी के सारे लोग इधर उधर भाग रहे, लेकिन वो सही रहता है कि वहाँ पर जिम्बे और राइजो रहते तो दोनों मिलकर उस वाली आग को बुझा देते हैं। लुफी का भी बस एक ही काम था कि उसको कैसे भी करके बस काइडो को हराना है, इसलिए वो सीधा क्लाउड के अंदर जाके एक थंडर को पकड़ के लाता है और अपना थंडर बोल्ट अटैक सीधा काइडो के ऊपर कर देता है, लेकिन काइडो उस वाले अटैक को एकदम से आसानी से डॉज कर देता है और लुफी को किसी बॉल की तरह इधर से उधर बस मारे जा रहा होता है। एक तरीके से वो लुफी के साथ में क्रिकेट खेल रहा होता है यार, लिटरली भाई लुफी को बहुत बार वो इधर से उधर मारता है भाई अपने बैट से। जहाँ पर लुफी काइडो को ग्रैब करने का ट्राई करता है लेकिन काइडो वहाँ पर अपना स्लैश अटैक करता है लुफी के ऊपर और लुफी को बोलता है कि लगता है कि अभी भी तुम स्लैश अटैक के सामने कमजोर हो, तुम कभी भी बस अपने डेविल फ्रूट के ताकत से इस वाले वर्ल्ड को कॉन्करर नहीं कर सकते। अगर सारी चीजें बस डेविल फ्रूट के पावर पर डिपेंड रहती तो वहाँ पर गोल्डी रॉजर कभी भी पायरेट किंग नहीं बन पाता क्योंकि उसके पास में तो कोई भी डेविल फ्रूट था ही नहीं। जहाँ पर लुफी ने काइडो को कुछ ज्यादा गंदी तरीके से ग्रैब कर लिया होता है जिसकी वजह से काइडो की भी बॉडी एकदम से रबर जैसी बन रही होती है, जिसकी वजह से काइडो लुफी के ऊपर कुछ ज्यादा अटैक करे जा रहा था, लेकिन भाई लुफी कहाँ छोड़ने वाला था। काइडो ने लुफी के ऊपर अपनी ब्लास्ट भेद भी कर दी थी, फिर भी भाई लुफी पूरा काला हो चुका था, फिर भी उसने काइडो को छोड़ा ही नहीं और सीधा आसमान में जाके बोला कि हे मोमो ओनिगाशिमा मेरे रास्ते में आ रहा है, इसको जरा तू हटाएगा बाजी में। और वहां पर भाई लुफी ने अपना हाथ कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया था, भाई ओनिगाशिमा भी उसके सामने कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साइतामा ने अपना सीरियस पंच बाहर निकाल लिया और पूरा का पूरा ओनिगाशिमा पे मारने वाला है। जहाँ पर ये सब देखने के बाद में यामाटो और मोमो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहां पर मोमो ने उसके बोलते कि थोड़ा रुक जा यार मेरे से नहीं हो रहा है। जहाँ पर लुफी मोमो को बोलता है कि मुझे पता है कि तू ये कर सकता है। यहाँ पर इस साइड में मोमो से एनएचके हो रहा था, भाई वो कब से ट्राई करे जा रहा था वो कैसे भी करके ओनिगाशिमा को रोक ले, लेकिन उससे वो रुक ही नहीं रहा था। और यहाँ पर काइडो एक साइड में लुफी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे इस वाले अटैक को सीधा हेड ऑन लूंगा, देखता हूँ तुम्हारा अटैक क्या काम का है। और वहीं पे काइडो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एकदम से फ्लेम के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। वो बोलते हैं कि तुझे पता है इस कंट्रीज के जो हीरोज थे उनको मैंने 20 साल पहले पूरा का पूरा जला दिया था और तब से पूरी की पूरी कंट्री लॉलेस चल रही है और अभी तुम्हारी बारी है जिंदा जलने की। जहाँ पर भाई काइडो ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एकदम से मैग्मा के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, जिसकी वजह से लुफी का एक हाथ जलने लग जाता है क्योंकि लुफी ने अपने एक हाथ से काइडो को ग्रैब करके रखा था। जहाँ पर काइडो लुफी को बोलता है कि तुम अपना हाथ छोड़ सकते हो, मैं कहीं भी भाग के नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि जो तुम्हारा अटैक है ना वो मेरे पास आने से पहले वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। जहाँ पर लुफी काइडो को बोलते कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि लुफी ने जो अपना हाथ था ना वो पूरा का पूरा रिवो के अंदर कोटेड कर लिया था। एक टाइप से वो एडवांस आखी थी लेकिन वानो के लोग उसको रिवो बोलते हैं, जो कि ओल्ड मैन ने लुफी को प्रिजन के अंदर सिखाई होती है। इस वाला हाकी का यूज करने के बाद में कोई भी यूजर किसी भी चीज को तोड़ सकता है बिना उसको टच करे और उसी हाकी को अपने हैंड के ऊपर कोट करके लुफी गमो गमो द बजरंग गन काइडो के ऊपर कर देता है। लेकिन इतने हेवी अटैक करने के बाद में वहां पर भी लुफी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि काइडो पूरा का पूरा फ्लेम में कवर था। उसके बाद हमको काइडो की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई देती है, जहाँ पर वो बचपन से कुछ ज्यादा स्ट्रांग था और काइडो की पावर्स की वजह से मरीन चाहते थे कि वो नेवी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन भाई काइडो भी कुछ ज्यादा ही चालाक बंदा था क्योंकि जब जब उसको भूख लगती थी तब तब वो थोड़ा मोड़ा क्राइम करके नेवी के हवाले लग जाता था, लेकिन जैसे ही उसका खाना खाना हो जाता था वैसे ही वो वहां से नेवी के चंगुल से भाग जाता था। फिर उसके कुछ दिनों बाद काइडो रॉक्स पायरेट को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जैसे गॉड वैली के इंसिडेंट के बाद में रॉक्स पायरेट सारे के सारे खत्म हो जाते हैं वैसे काइडो पायरेट आइलैंड से कुछ पायरेट्स को जमा करके खुद का एक पायरेट का ग्रुप बना लेता है और वहां पर वो डिसाइड करता है कि वो वानो जाके अपने वेपन्स की फैक्ट्रीज बनाएगा। फिर वानो जाने के बाद में वहां पर उसको यामाटो के मुंह से जॉय बॉय का नाम सुनाई देता है क्योंकि यामाटो ने वोडिंग डायरी पड़ी हुई रहती है, इसकी वजह से वहां पर लिखा रहता है जॉय बॉय के बारे में क्योंकि जॉय बॉय एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ओडिन अपने कंट्री को खोलना चाहता था अदर दुनिया के लिए। ओडिन चाहता था कि वो खुशी खुशी जॉय बॉय को वेलकम करे वानो कुनी में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने करंट फाइट पे, जहाँ पर भाई लुफी को ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है काइडो को हराने के लिए। जहाँ पर काइडो फाइट करते करते हुए लुफी से पूछता है कि बता मुगीवारा लुफी तो किस टाइप की कंट्री बनाना चाहता है। जहाँ पर लुफी बोलता है कि मैं इसी टाइप की कंट्री बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त खाली पेट ना सोए। और ये बोलने के बाद स्ट्रगल करते करते भाई लुफी अपना अटैक किसी तरह काइडो के मुंह के ऊपर लॉन्च कर देता है। इस वाले अटैक के वजह से जो सारे क्लाउड थे जिनने ओनिगाशिमा को संभाल के रखा था वो सारे के सारे क्लाउड डिसअपीयर हो जाते हैं। और उसके बाद ही जैसे जैसे करके मोमो अपना पूरा दम लगा के कैसे भी करके ओनिगाशिमा को नीचे उतार लेता है क्योंकि ओनिगाशिमा को हवा में फ्लोट करने की ताकत अभी भी मोमो के पास आई नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे करके मोमो ने ओनिगाशिमा को नीचे सेफली उतार दिया। लुफी की बजरंगगण इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जिसके इफेक्ट से काइडो सीधा सीधा जमीन चीरते हुए नीचे जा रहा होता है। काइडो के अपने
अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिख रही थी, तभी उसके दिमाग में और एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो किंग से बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि जॉय बॉय कौन है। जहाँ पर किंग काइडो से पूछ रहा होता है कि कौन, तो वहाँ पर काइडो बोलता है कि जॉय बॉय वही बंदा है जो मुझे मारेगा। तो उसके जवाब में किंग हंसते हुए बोलता है कि ऐसा दिन तो फिर कभी आने ही नहीं वाला है। लेकिन मरते हुए काइडो को पता चल चुका था कि भाई लूफी ये जॉय बॉय है, और एकदम से वो कुछ ज्यादा ही नीचे जाके लावा में गिर जाता है। और इधर दूसरी साइड लूफी भी बेहोश हो जाता है, लेकिन यामाटो उसको पकड़ लेती है। और इसी के साथ साथ लूफी और काइडो की फुल बैटल खत्म होती है, जहाँ पर काइडो हार जाता है। फिर उसके बाद मोमो वानो के अंदर जाके सबको बोल देता है कि हिरोशिमारो और काइडो दोनों के दोनों मर चुके हैं, और अपनी वानो कंट्री अभी काइडो के हाथ से फ्री हो चुकी है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।